बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमने लास्ट क्लास में मोहम्मद क्वेश्चन नंबर 8 का पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। मिर्ज एंड कंपनी ऑब्टेन अ लोन ऑन 1 जून 2018 अमाउंटिंग रुपीज 3 मिलियन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स प्रोजेक्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट फेब, स्टार्ट कब सॉरी फर्स्ट फेब मीन्स एक महीना क्या आपका आइडियल पीरियड है, उसकी कॉस्ट क्या होगी कैपिटलाइज नहीं होगी। द एसेट वॉज कम्प्लीटेड ऑन 15 नवंबर 2018। द यूजफुल लाइफ इन ऑफ एसेट इज 10 ईयर्स। द डिटेल ऑफ एक्सपेंडिचर दिए हुए हमें, फर्स्ट फेब को खर्चा हुआ है कोई 6 लाख से, 1 अप्रैल को 5 लाख से, 1 जून को 1200 से मीन्स 12 लाख से, 1 अगस्त को 19 लाख से, 1 नवंबर को 25 लाख से। अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर देखूँ तो कितना हो रहा है टोटल मिला के, 670,000 या 67 लैक्स। ठीक है, ये टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है आपका। ठीक है, आपने लोन कितने का लिया हुआ है, 3 लाख का, वो 30 लाख का। ठीक है, उसके बाद क्या बोला इसने आपको कि इंटरेस्ट रेट ऑन द स्पेसिफिक लोन कितना दिया हुआ है हमें, 20% से। इनकम रेट कितनी दी हुई है हमें, 8% से। वर्क सस्पेंड हो रहा है हमारा, सस्पेंड हो रहा है कब से लेके, 16 जून से लेके 30 जून तक, मींस कितने महीने की कॉस्ट सस्पेंड हो रही है, आधे महीने की। ठीक है, इन 15 डेज की कॉस्ट क्या होगी, वो काम सस्पेंड हो रहा है। द कंपनी यूटिलाइज द ओवरड्राफ्ट सर्विसेज यूटिलाइजेशन स्पेसिफिक लोन, आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेसिफिक लोन द इंटरेस्ट रेट ऑन ओडी इज 15% and the company has no source of finance. ठीक है, इसके अलावा कोई फाइनेंस की तरीका नहीं है। ईयर एंड इज 31 दिसंबर। बोरिंग कॉस्ट चाहिए हमें, SSC SFP के एक्सट्रैक्ट चाहिए और जर्नल एंट्रीज चाहिए। तो जर्नल एंट्रीज वगैरह जो अगर लेट से लोन मैंने ऑब्टेन करता हूँ, नॉर्मल जो हम बना रहे होते हैं एंट्रीज वगैरह, ये कि बैंक लोन बैंक डेबिट किया, लोन पेबल क्रेडिट किया, CW डेबिट, जितने एक्सपेंडिचर करेंगे वो मैं एंट्री नहीं बना रहा हूँ। क्लियर है? इसके अलावा हम क्या करते हैं, एंट्री बना लेते हैं सिर्फ इंटरेस्ट पेबल वगैरह की, इन सब चीज़ की। तो हम स्टार्ट करते नीचे। एक्सपेंडिचर के हमने पिक्चर ले लेते हैं, हमने स्टार्ट किया लेफ्ट ओवर से। ये वर्किंग है तो वर्किंग एंड में कर देना आपको, या मैं पेपर वाले दस से करें सवाल, दस पे लेके आएगा क्योंकि आप लोग लाजमी है ना बर्न करना है। बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, ठीक है, ये पेपर के लिहाज से नहीं है, पूरा लिखना है वहाँ पर। सीधा कौन सा लोन आ जाएगा, स्पेसिफिक लोन आ जाएगा, स्पेसिफिक लोन जितना होगा हम वो लिख देंगे। उसके बाद यहाँ हमारे पास जर्नल एंट्रीज आ जाएंगी इसकी, ठीक है। ये हमने स्टार्ट किया लेफ्ट ओवर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, हमने लोन पहले कितने को अटेंड किया, हमने लोन अटेंड किया था कोई 30 लाख का। ठीक है, और हमारा एक्सपेंडिचर कब इनकर्ड किया हमने, फर्स्ट फेब को, तो मीन्स जनवरी के महीने में कितने पैसे रहे आपके पास, पूरे 30 लाख रहे, 3 मिलियन सेम रहे। आपने फर्स्ट फेब को क्या किया, विड्रॉ किए 6 लाख रुपये, और 6 लाख विड्रॉ किए कितने पैसे बचे बैंक में, 24 लाख, 2.4 मिलियन। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर रहे हो आप 1 अप्रैल में, तो आपने क्या करना है, आप इसकी एंट्री क्या बन रही होगी 6 लाख से, कि बैंक डेबिट हो रहा होगा, उस CWIP डेबिट हो रहा होगा, बैंक क्रेडिट हो रहा होगा। उसके बाद 1 मार्च को सेम रहे हमारे पास पैसे बैंक में, इस मार्च में सेम रहे, कोई विड्रॉल नहीं करा। 1 अप्रैल को पैसे हमने विड्रॉ किए 5 लाख रुपये, तो कितने बचे, 19 लाख। उसके बाद फिर 1 जून को हमने कितने पैसे विड्रॉ किए, 12 लाख विड्रॉ करें, तो 1 जून मई तक कितने रहे हमारे पास, 19 लाख, वो 19 लाख। उसके बाद ये हो गए
7 लाख, 12 लाख हमने क्या करे विदड्रॉ किया, इंट्री बनी CWIP डेबिट किया, बैंक क्रेडिट किया 12 लाख से, क्लियर है। उसके बाद फिर 1 अगस्त को हम आए, 1 अगस्त को हमने विदड्रॉ किए पैसे 19 लाख रुपये, तो 7 लाख आपके पास यहाँ रहे होंगे। फिर आपने अगस्त में से 19 लाख रुपये विदड्रॉ करे, जैसे विदड्रॉ करे वो 7 लाख तो आपके पास पड़े स्पेसिफिक लोन से, बाकी आप कहाँ यूटिलाइज करोगे, आप जनरल लोन यूटिलाइज कर रहे होगे। 7 लाख में से 19 लाख में 7 लाख का कितने बचे, 12 लाख, तो 12 लाख आपने क्या करें आप जनरल मिलेगा, क्लियर है। उसके बाद फिर नेक्स्ट एक्सपेंडिचर इनकट कर रहे हो आप नवंबर में, तो नवंबर तक कितने रहे आपके पास 12 लाख रुपये लाइबिलिटी के तौर पर, 12 लाख। फर्स्ट नवंबर में जैसे मैंने इनकट किया खर्चा कितना 2.5 मिलियन का, तो ये मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज करके 12 से कितने हो गई 37 लाख, मीन 3.7 मिलियन हो गए, 3.7। ऐसे बात क्लियर है मेरी, दिसंबर तक लेके जाएंगे ना भाई, कंप्लीट हो गया, लेकिन एक्सपेंड वो एक्सपेंस तो लगेगा ना इसमें, पक्की बात है। अब इसमें करो काम कि कौन कौन से महीने की कॉलिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी, तो हमने देखा कि यार हमारे पास पूरे जनवरी के महीने की कैपिटलाइज नहीं होगी, ये बात क्लियर है। अगर मैं इस जून के महीने की, जून में आधे महीने की कैपिटलाइज नहीं होगी, मींस आधे महीने क्या होगी कैपिटलाइज होगी और आधे महीने की कैपिटलाइज नहीं होगी, क्लियर है। इसके अलावा दिसंबर तो पूरे महीने में कैपिटलाइज नहीं होगी, नवंबर में आधे महीने में काम क्या हो चुका, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, डन है। मीन्स अगर लेट्स सम देखा जाए तो एक महीना पूरा हो पूरा ये, एक महीना पूरा ये, आधा महीना, आधा महीना, ये आधा महीना कितना होगा 2 महीने और 3 महीने, इन पूरे की कॉस्ट क्या होगी कैपिटलाइज नहीं होगी, ये स्पेसिफिक लोन की कैपिटलाइज नहीं होगी। मीन्स ये कितना होगा 3 महीने होगा, मीन 3 महीने कैपिटलाइज नहीं होगी, तो कितने महीने कैपिटलाइज होनी चाहिए, 9 महीने की कॉस्ट कैपिटलाइज होनी चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिक लोन की। तो हमने क्या करा, एंट्री पास करी यहाँ पे, हमने लिखा कितना लोन लिया, 3 लाख का लोन लिया था हमने, 30 लाख का, 30 लाख रुपये मल्टीप्लाई बाय रेट कितना था 20% मल्टीप्लाई बाय 9/12, कितना आया अमाउंट हमारे पास 7.5 लाख, 4.5 लाख, क्लियर है। उसके बाद फिर इसमें से लेस करना है हमें क्या चीज़, लेस करना है हमें इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, ठीक है। अब ये लेट से 3 लाख रुपए जो अमाउंट है वाला, ये कहाँ जाएगा, SOCI में जाएगा, है ना भाई, ये तो कैपिटलाइज होगा ही नहीं। कौन कौन से महीने का कैपिटलाइज होगा, इस वाले महीने का कैपिटलाइज होगा, इस वाले का, तो 2.4 मिलियन कितने महीने रहे, 2 महीने, 2.4 मिलियन रहे 2 महीने, कितने परसेंट रेट है इसका 8% मल्टीप्लाई बाय 2/12, कितना आया 32,000 रुपये, माइनस कर दिया। उसके बाद फिर 19 लाख रहा कितने महीने, 2 महीने, 19 लाख आया मेरे पास 2 महीने के लिए, कितना आया 25,333, 333 ये माइनस कर दिया। उसके बाद फिर 7 लाख रुपए क्या होगा, आधा कैपिटलाइज होगा, आधा कैपिटलाइज नहीं होगा, मीन्स और 1.5 महीने का मीन्स कैपिटलाइज होगा, और ये पूरा महीना कैपिटलाइज होगा, ये पूरा महीना और ये आधा महीना, कितना हो जाएगा 1.5 महीना, मीन्स 7 लाख रुपये मल्टीप्लाई बाय 8/12 ना 8% मल्टीप्लाई 1.5 डिवाइडेड बाय 12, कितना आया अमाउंट 7,000 रुपये, माइनस करो 4.5 लाख में से माइनस किया मैंने 32 लाख रुपये, 25,333 और ये क्या आ गया 385,667, मीन 385,667, क्लियर है यहाँ तक बात। उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट जनरल की बोरिंग है कितनी आ रही है, 12 से 12 लाख, कितने महीने रहा मेरे पास 3 महीने, तो 3 महीने ले लेंगे हम लोग, के हमने हेडिंग डाली किसकी, ऐड किया मैंने इसमें क्या चीज़, जनरल लोन, तो 12 लाख रुपए
मल्टीप्लाई बाय 25% मल्टीप्लाई बाय 3/12 कितना आया 75,000। उसके बाद फिर 3 लाख अपना 37 लाख रुपये कितने महीने था मेरे पास, आधे महीने, तो 37 लाख रुपये 33.7 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 25% मल्टीप्लाई बाय 1/2 by 12 कितना आ रहा है 38,542। क्लियर है? अब सम कर लें इसको हम लोग, कितना हो गई नहीं पूरा सम कर टोटल कर लो, $499,200। क्लियर है यहाँ तक बात मेरी? ये कॉस्ट क्या हो गई, बोलिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन हो गई, और जिस जिस मंथ की कैपिटलाइज नहीं होगी कॉस्ट मेरी, वो कौन कौन से मंथ है एक्सपेंस आउट हो जाएगी वो, हमने इसकी एंट्री क्या बनाएंगे 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर हमने एंट्री बनाई इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट किया, और इंटरेस्ट पेबल क्या कर देंगे हम लोग क्रेडिट कर देंगे, ये डायरेक्ट कंपाउंड एंट्री बना लें हम लोग चाहें तो, ये कंपाउंड नहीं बना रहे हम अभी। तो कितने हो गए हमारे पास 3 लाख रुपये, और 30 लाख रुपये मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 3/12 तीन महीने में पास, एक दो और ये तीन, कितना आ गया 1.5 लाख रुपये, तो 1.5 लाख से आ। क्लियर है? उसके बाद एक इंटरेस्ट एक्सपेंस किसका होगा, इन दोनों का होगा, एक ग्रीन पेन से हमने लिखा हुआ है, जो मतलब जो ग्रीन पेन से लिखा हुआ है, तो कितना होगा हमारे पास, ये होगा इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट, कितना अमाउंट से 37 लाख रुपये मल्टीप्लाई बाय 25% मल्टीप्लाई बाय 1/5 या 1.5 डिवाइडेड बाय 12 ठीक है, कितना आ रहा है 1,15,627 1,15,625 सॉरी। क्लियर है बातें तक मेरी? उसके बाद कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट इनकम भी होगी, रिकॉर्ड कर रहे हैं जो सी डब्ल्यू पे जाने वाली चीज़ें वो चली आएगी, उतना मसला नहीं है, है ना? पहले हम इंटरेस्ट पेबल वाली एंट्री बना लेते हैं ना, एक इंटरेस्ट पेबल में कौन सी इंटरेस्ट जा रहे हैं साथ में हमारे पास, एक इंटरेस्ट वो जो सी डब्ल्यू आई पी में जाएगा, जाएगा सी डब्ल्यू आई पी में, तो कौन कौन से सी डब्ल्यू आई पी डेबिट हो रहा है, वो इंटरेस्ट पेबल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, वो हमने कहाँ से ले रहे हैं, वो हम रिक्वायरमेंट नंबर ए से ले रहे हैं, कौन सा अमाउंट है हमारे पास, वो है ये वाला अमाउंट जा रहा होगा और एक ये दो अमाउंट जा रहा होगा, तो 4,50,000 रुपये प्लस 75,000 प्लस 38,542 5,63,542 उसके बाद फिर हमारे पास एक एंट्री आई होगी इंटरेस्ट रिसीवेबल की, इसका मार्कर चेंज कर लेते हैं, इसको हमने किया इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट करा और सी डब्ल्यू आई पी क्रेडिट किया, कितने अमाउंट से, ये हमने कहाँ से लिए, ये रिक्वायरमेंट नंबर ए से ले रहे हैं हम लोग, तो कितने हो गए 32,000 रुपये प्लस 25,333 प्लस 7,000 64,333
एक अमाउंट हमारे पास से इंटरेस्ट जो जाएगा कहाँ पे SOFP के अंदर, SOCI में इंटरेस्ट रिसीवेबल है हमारे लिए, और क्रेडिट क्या करेंगे इंटरेस्ट इनकम, वो कौन कौन सा अमाउंट है कि 3 लाख वाला अमाउंट और 7 लाख का आधा आधा साल। बिल्कुल 30 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय ये कितने महीने जाए हमारे पास, नहीं ये महीने कितने रहा, एक महीने से बोलिए 1/12 प्लस 7 लाख रुपए, 7 लाख रहा है हमारे पास कितने महीने के लिए, आधे महीने के लिए 0.5 / 12 और इन टोटल करें तो उसको डिवाइड मल्टीप्लाई बाय कितना कर कितना रेट है इसका 8% 0.08 22,333 20,033 23 किसका से यार दोबारा चेक कर लो जब 22,333 क्लियर हो जाता है। और एक एंट्री बनेगी आखिर में किस चीज़ की, TP को डेबिट कर देंगे और CWIP क्या करना है क्रेडिट करना है, तो CWIP निकालें कौन कौन से अमाउंट आएगा CWIP के अंदर, CWIP मैथ वाले स्पेसिफिक लोन, कितना लोन था हमारे पास 30 लाख का, के बाद पे आपके पास जनरल लोन था 37 लाख का 3.7 मिलियन का, और बोरिंग कॉस्ट कितनी आ रही आपके पास 99,209, ये आपके पास हो गया 71,99,208 मीन 7.199 मिलियन ठीक है। सेंट्री रिकॉर्ड करी हम लोगों ने 7199028208 और 7199208, फिर इस पर क्या होगा कि इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज कर लेंगे, डेप्रिसिएशन वो सॉरी डेप्रिसिएशन शॉर्ट कर लेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और PV क्रेडिट 71,99,208,000 डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स और मल्टीप्लाई कितने साल रहा है मेरे पास 1.5 साल तो 12 कितना आया मेरे पास ये 89,990 क्लियर है। अब SOCI में कौन कौन से इफेक्ट जाएंगे, वो SOCI में इफेक्ट जाएंगे वो जाएंगे येलो मार्कर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये अमाउंट जाएगा SOCI में, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस जाएगा, इसके अलावा इंटरेस्ट जैसे इनकम के अंदर ये इनकम जारी होगी और एक्सपेंस में एक ये एक्सपेंस जा रहा होगा, क्लियर है। और SOFP के अंदर हमारे पास एक तो इंटरेस्ट पेबल के अमाउंट जा रहे होंगे सम होकर, क्लियर है, एक इंटरेस्ट रिसीवेबल का अमाउंट जा रहा होगा, इसके अलावा एक PP का अमाउंट आ रहा होगा नेट ऑफ करके डेप्रिसिएशन, क्लियर है। और एक लोन अमाउंट आ रहे होंगे किसके, एक लोन का अमाउंट आ रहा होगा 30 लाख से सही है, और 1 लाख अमाउंट आ रहा होगा 37 लाख से, क्लियर है, या आप बना लें धनिया तक बात। उसके बाद हम ऊपर आते हैं, यहाँ तक कितनी पूछना बात क्लियर है यहाँ तक,
फिर हमने लास्ट क्लास में बात की थी सोर्स ऑफ फाइनेंस की। सोर्स ऑफ फाइनेंस में हमने क्या देखा, सोर्स ऑफ फाइनेंस हमने देखा कि हमारे पास दो टाइप के इंटरेस्ट थे। एक तो मतलब दो टाइप की फाइनेंसिंग वगैरह के लगते हैं, जैसे एक इंटरेस्ट फाइनेंसिंग है जिसमें हम इंटरेस्ट बेयर करके हमें फाइनेंस मिलती है, एक होता है नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग। इंटरेस्ट बेयरिंग में कौन से थे, एक स्पेसिफिक लोन था और एक जनरल लोन था। और नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग में क्या आता है, इक्विटी से पैसा आ जाए मालिक लिया है, ऑपरेशन से आ जाए या इनफ्लो फ्रॉम कस्टमर हो जाए। क्लियर है? अब हम किससे देखते हैं नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग का सवाल देखकर, अब जो हमने सवाल देखा है इंटरेस्ट बेयरिंग का उसको देखते हुए आप ये सॉल्व करने की कोशिश करो कौन सा सवाल क्वेश्चन नंबर 9 कि नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग में सिर्फ उसका इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, खाली कुछ सोचने की सलाह था उसमें कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं। कोशिश करो, एक दफ़ा ट्राई करो, नहीं होगा तो बताएंगे। अमाउंट, ये अमाउंट है और ये अमाउंट है, अवेलेबिलिटी ये। अच्छा, अब अगर लेट सवाल में अगर पढ़ूँ, यहाँ पे नीचे यहाँ लिखा हुआ है, सवाल पढ़ लेता हूँ खाली। लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट ऑन 1 जून 2018, डिटेल ऑफ एक्सपेंडिचर दिया। 1 जून में कितना खर्चा किया मैंने, 30,000 का, अप्रैल में 60,000 का, अगस्त में 90,000 का और दिसंबर में 70,000 का। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर कर कितना रहा हूँ मैं, 30, 60, 90, 90 और 90, 180, 180 और 2.5 लाख। ठीक है, इसके अलावा सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, द सोर्स ऑफ फाइनेंस आर अवेलेबल फ्रॉम द फॉलोइंग डेट। अब जिस डेट को फाइनेंस अवेलेबल हमें बता रहा है, स्पेसिफिक लोन हमें कब मिल रहा है, अमाउंट कितना मिल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 का, कब मिल रहा है ये 1 अप्रैल को, लेकिन हम फर्स्ट खर्चा कब कर रहे हैं 1 जनवरी को, मीन 1 जनवरी को हमारे पास स्पेसिफिक लोन अवेलेबल नहीं है, हमें इसके अलावा कहीं से फाइनेंस करना पड़ेगा। वो कितना रेट है स्पेसिफिक लोन का, 15% का। क्लियर है? उसके बाद राइट शेयर्स कब हो रहे हैं हमारे पास, मतलब हम शेयर्स इशू कर रहे हैं लोगों को, तो 50,000 के कब हो रहे हैं ये, 1 अगस्त से। क्या इसका कोई इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, राइट शेयर का कभी इंटरेस्ट रेट होता है नहीं, कभी नहीं होता। उसके बाद द जनरल जी, और ये भी कब हो रहे हैं, 1 अगस्त को आ रहा है। उसके बाद लिखा जनरल लोन जनरल लोन एप्लीकेबल थ्रू आउट द ईयर 20,000 पर, और जनरल लोन ऐसा लोन है कि आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। तो लेट से 1 अगस्त को अगर खर्चा करते हो तो कहाँ से करोगे, फिर कहाँ से पे करना चाहिए आपको, जनरल लोन से पे करोगे। सही है, इनकम रेट कितना, 7% अगर इनकम को अवेलेबल होती है जब, उसके बाद से अगर बैंक पैसे बचते हैं तो वहाँ से यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे। रिक्वायर्ड क्या है आपको, द बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, सिर्फ ये निकालना है, स्टार्ट हो जाओ जल्दी से।